अगला जो टॉपिक है दैट इज थिन लेंसेस। लेंसेस के बारे में आप लोगों ने कक्षा 10वीं में पढ़ रखा है। ये ऐसे कुछ लेंसेस कर रखे हैं। यस सर। यस। तो दीज आर नोन एज लेंसेस, दीज आर नोन एज थिन लेंस। थिन लेंसेस से मतलब इनका कर्वेचर भी कम लेते हैं, आप ज्यादा कर्वेचर ऐसे मोटे मोटे गोल गोल लेंस नहीं लेने, ठीक है, गोलू मोलू सब पतले लेंगे फिट बॉडी, ठीक है। तो ऐसे थिन लेंसेज लेने, राइट, ये अपने सिलेबस में इसकी कैलकुलेशन सिंपल होती है, इसलिए ये ज्यादा डीप नहीं जाते। तो ये कौन सा कन्वेक्स? कन्वेक्स ये है, कन्वेक्स। ये वाला कौन सा है? कॉनकेव। ये वाला कौन सा है? कन्वेक्स। मतलब ये है प्लेनो कन्वेक्स, वन साइड कन्वेक्स। यस सर। प्लेनो कन्वेक्स ये है, प्लेनो कॉनकेव। इसमें से कन्वर्जिंग कौन है? कन्वेक्स। कन्वेक्स पक्की गल है? यस यस यस। ये वाला डाइवर्जिंग पक्की गल है? यस पक्की। यस सर। ये मतलब ये डाइवर्जिंग नहीं हो सकता? जितना हमने पढ़ा है हमने तो उस हिसाब से बनाया, दूसरी यही है। और ये कन्वर्जिंग नहीं हो सकता हमारे हिसाब से? सकता होगा सर। मैं पूछ रहा हूँ तो हो सकता होगा ना? होगा। यस। इसलिए पूछा, नहीं तो काहे पूछा। अगर एक साइड कन्वर्जिंग तो दूसरी डाइवर्जिंग? ना 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 ऐसे नहीं होती सर। फोकस पर कन्वर्जिंग ऐसे देखते हैं? ना ना ऐसे नहीं। देखो कन्वर्जिंग मतलब इंसिडेंट रे जैसे भी आ रही हो उसको कन्वर्ज करना होता है कन्वर्जिंग, अदरवाइज डाइवर्ज करना होता है डाइवर्जिंग। बट ये बाय डिफॉल्ट ये वाला कन्वर्जिंग है, इधर वाला बाय डिफॉल्ट ये वाला डाइवर्जिंग है, बट हम इसमें जादू कर सकते हैं। नो दैट वी कैन डू द जादू। जादू क्या जादू कर सकते हैं हम इस पे? हम जादू ये कर सकते हैं कि जो ये वाला लेंस है, ये वाला, इसको हम डाइवर्जिंग बना सकते हैं, इसको हम कन्वर्जिंग बना सकते हैं। जादू कैसे कर सकते हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। इस जादू को सीखने के लिए लगाएं अगली क्लास। आज ऐसा नहीं हम समाप्त कर रहे हैं, आगे तो हम कुछ और चीजें करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें जो कि तुम लोगों को पता होंगी, लेट अस चेक। अच्छा सिंपल फंडे हैं ये तो, प्रिंसिपल एक्सेस पता है आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं? होल। वो बोलते हैं, वो लिखते तो हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बोलते होंगे। अरे यार सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं आया इधर। हां ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। इधर पोल नहीं होता, इधर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। इसके कितने फोकस होते हैं? दो होते हैं, एक इधर एक इधर, इसके भी एक इधर एक इधर, ठीक है, दो फोकस। अच्छा कुछ बेसिक चीजें करते हैं, चलो पहले थोड़ा लिख लें, ज्यादा हो गया। ये है बाय कन्वेक्स, दोनों साइड से कन्वेक्स। ये है प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। ये है बाय कन्केव, बाय कन्केव। एंड ये है प्लेनो कन्केव, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनकी नेचर कन्वर्जिंग होती है। सर कन्वेक्स और कन्केव, एंड कन्केव और कन्वेक्स भी होते हैं ना? हाँ वो कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। एक कन्वेक्स एक कन्केव, बाय डिफॉल्ट क्या बोलते हैं इधर? बाय डिफॉल्ट इट इज कन्वर्जिंग, ये वाले, एंड ये होते हैं बाय डिफॉल्ट डाइवर्जिंग।
ये होते हैं बाय डिफॉल्ट डाइवर्जिंग, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये नेचर ये होती है, लेकिन इस नेचर को चेंज किया जा सकता है, तो हम कल पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड रे डायग्राम्स। Some important terms and rays. बाकी तो सब ठीक है, वो ROC focal length वो सब principal axis हो गया, optical center through optical centers में नहीं क्या मालिक है। एक होता है जैसे this is optical center, this is optical center, and you know what, any ray passing through optical center passes undeviated. Yes, it goes undeviated. You saw tangentially normal ones are nice. Any ray passing through optical center goes undeviated. अब कुछ जैसे मान लो फोकस हमारे पास दो होते हैं, जैसे हर एक इसमें इसकी अगर बात करें, हाँ बार बार बनाए ऐसा फोकस जिसमें से इंसिडेंट रेज निकले या एक्चुअली में अपीयर करें निकल के और बाद में पैरेलल हो जाए, उस वो होता है प्राइमरी फोकस, पहला फोकस, फर्स्ट फोकस, ये बाद में पैरेलल हो जाए, ये पैरेलल हो गई, ये पैरेलल हो गई, दिस इज दी, ये कहां से आ रही थी, मतलब फोकस से आ रही थी, दिस इज एफ वन। और इसमें अगर पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिंग थ्रू द लेंस जिस पॉइंट से पास करती हैं उसको भी क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, दैट इज सेकेंडरी सेकंड फोकस एफ टू। लेकिन कंकेव में ये कहानी कैसे बनाएंगे, कहानी हमने कंकेव में भी बनानी है, बनेगी कैसे, इसमें बताओ मुझे, मुझे चाहिए ऐसा फोकस जहां से इंसिडेंट रे या तो एक्चुअलेट कर रही है, यहां दे अपीयर टू मीट बट आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे बिकम पैरेलल, तो फोकस किधर आएगा। व्हाट आई मीन इज लेट्स से मैं फोकस इधर बनाता हूं, इधर गंदा निकाल दो, अरे डाइवर्ज कर रही है फिर पैरेलल हो जाएंगी, जब डाइवर्जिंग हम पीछे कर देंगे, हाँ मतलब कहने का अगर मैं फोकस यहाँ पे फोकस है इधर से रेज ऐसे लेके आता हूँ तो ऐसे हो जाएंगी, नहीं सर ऊपर से आएंगी तो डाइवर्ज करके आएंगी सर, मीट करेंगी सर, अपीयर टू मीट, ऐसा होगा। भावना समझाओ सर, मतलब पैरेलल नहीं जाएंगी। अच्छा लेफ्ट साइड में पैरेलल बनाऊं या नॉन पैरेलल, पैरेलल पैरेलल
पैरों जाके डाइवर्ज हो जाएंगे, उनको पीछे से हम खींच देंगे, फिर ये जा रहे हैं पीछे खींच देंगे, ये प्राइमरी ये फोकस हो जाएगा। ये तो सेकंड फोकस है, पहला फोकस किधर है? ये तो F2 है। F2 क्या होता है? देखो F2 इसमें हमने क्या बनाया था, रिफ्रैक्टेड रेस। देखो इसमें F2 क्या बनाया था, रिफ्रैक्शन के बाद इंसिडेंट रेस पैरेलल है, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस में मीट करनी है, दे आर दैट इज F2 सेकंड फोकस। मैं चाहिए प्राइमरी फोकस, इसमें इंसिडेंट रेस पैरेलल है, आफ्टर रिफ्रैक्शन दे आर मीट टू मीट एंड फोकस। तो ये F2 हुआ, F1 किधर होगा सर? रिवर्स का तो रेस को रिवर्स करते हैं, डायरेक्शन पहले वो डाइवर्ज करती आ रही है, बाद में पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। सही बोले तुम दोनों, क्या है इसको रिवर्स कर देते हैं, ऐसा समझ लो ऐसे आ रही है। यस सर, दे अपीयर टू मीट एट फोकस लेकिन मीट नहीं हो पाई इंटर, डाइवर्ज हो गई। ये दिख रहा है मेरे को, डाइवर्ज हो गई। यस यस सर, तो ये दिस इज प्राइमरी फोकस, दिस इज एक्का एक्का। यस, दिस इज फर्स्ट फोकस है, इसको ऐसे मान लेंगे हम ऐसा, ऐसा कुछ सीन हो गया यहाँ पे, ऐसे आ रही थी दिस इज F2 दिस इज F1। इसके बाद आते हैं रे डायग्राम्स, जो केसेस जो तुम लोगों ने टेंथ में किए, जैसे हमने पहले मिरर्स में भी स्फेरिकल मिरर्स में बनाया, वो केसेस है, वो केसेस हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ पहले से तुम लोगों ने किया था रिवाइज, जब हम मिरर्स बोले थे रिवाइज करने के लिए, ये सिर्फ मिरर्स ही करके आए थे तब, तो जितना आपने बोला मैं कर लिया। कल की है सर, आपने पिछली क्लास में छोड़े थे इसीलिए। चलो कोई बात, आज कर लेंगे हम, कर लेते हैं थोड़े से ये सारे, अभी हम डिस्कस कर लेंगे एक बार, वो कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे, लेकिन कल को आपकी कॉपी में होने चाहिए क्लास से पहले, ठीक है? यस यस सर। चलो इसमें क्या क्या केसेस थे, पहले अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं, कन्वेक्स में ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होता है तो क्या बनती है? F2 पे। F है ना, बस F ही बोलते हैं, ये होगा ऐसा। दूसरा केस जब हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, अच्छा इसमें एक बात बताओ, इसमें भी R = 2F होता है सर, पर फोकस तो दो है तो कंफ्यूजन नहीं होगी सर? रेडियस भी तो दो है, मतलब फोकस तो दो है ना? हाँ नहीं, F2 की बात कर रही हूँ, यही होगा। बाय डिफॉल्ट हम दूसरे वाला F कर लेते हैं, तो R = 2F होता है? नहीं। यस yes, सर होना चाहिए सर, होगा। तुम लोगों को पता है ये आर दोनों सेम है, कन्वेक्सिलेंस या कन्वेक्सिलेंस मेड अप ऑफ टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू नो दैट? यस सर। तो कौन सा ले आर इसका, इसका आर कितना है? जीरो। हाँ इसका आर कैसे होगा सर, इसका आर जीरो है? नहीं कुछ तो होगा इसका आर। और इस डॉट का आर कितना है?
तो वो तो स्ट्रेट है, उसका आर कैसे होगा? हाँ तभी तो पूछ रहा हूँ, इसका आर कितना होगा? What is r radius of a straight line? Infinity. Yes. Infinity है ना? अरे ये चक्कर कब बनाएगी? कहाँ जाके? Infinite distance पे यहाँ पे ना? चक्कर बनाएगी? वो बनाएगी क्यों? अभी तभी तो straight line है. तभी तो infinity है. ये बनाएगी ना, इसलिए infinity है. अगर बनाती तो कुछ r finite r होता यहाँ पे ना? Yes. ठीक है, तो इसका r infinity है. इसका r कुछ finite number है. तो इधर r कौन सा नहीं? ये formula इधर applicable ही नहीं है यार. क्या रिश्तेदारी है वो अगले लेक्चर में करेंगे. चलो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है वो, पॉइंट है. अच्छा हाँ, उसके बाद हमने पास लिया इधर, इधर होता है F और 2F, याद है तुम लोगों को? Yes. अब हम ऑब्जेक्ट इधर ले आए तो इमेज किधर जाएगी? बिटवीन F एंड 2F. इधर कहीं चली जाएगी ऐसा करके. पर ये F2 F1 मतलब इमेजेस के लिए याद करना जरूरी नहीं है क्या? क्या मतलब जैसे हम ये कर रहे हैं अभी केसेस में हम F1 F2 मतलब याद रखना जरूरी है? इसमें इसमें ना एक्चुअली हम केसेस से लेते हैं इधर इधर वो उधर F1 डिफरेंट लिखने की जरूरत नहीं. जो केसेस बनाएंगे फोटोज बनाएंगे उसमें सेम ही लेते हैं एक्चुअली, दोनों का सेम लेते हैं तो F इधर वाला सेम ही आता है, सेम डिस्टेंस पे आता है. बट जरूरी नहीं है ऐसा, आर ओ सी पे डिफरेंट. ये F F जो है ये अच्छा, जो डिस्टेंस है वो सेम आएगा लेकिन एक F1 है एक F2 है, होता है सेम बट डिस्टेंस दोनों का सेम होता है. ओके सर. ठीक है, डिस्टेंस में अंतर नहीं होता बट एक एक को वन बोल देते हैं एक को टू बोल देते हैं, वो एक कॉन्सेप्चुअल चीज है कि हाँ भाई इंसिडेंट रेस पैरेलल है तो F2 पे जाएंगी, रिफ्रेक्टेड रेस पैरेलल है तो F1 से आ रही है, बस ऐसा है और कुछ नहीं. ठीक है, तो हम तो एक ही F लेके चलते हैं, फॉरवर्ड में भी एक ही F लेते हैं. चलो अच्छा, और पास ले आएंगे इसको तो इमेज किधर बनेगी? F2 पे. और पास ले आएंगे तो इमेज किधर बनेगी? Beyond 2F. और पास ले आएंगे तो At infinity. Infinity. At infinity. 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 तो देख रहे हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहे हैं इमेज दूर जाती जा रही है. Yes. Yes. और बड़ी होती जा रही है. Yes. ठीक है, तो ये सारे केसेस वही है 10th वाले, इसको बना लेना कल कॉपी में. अच्छा एक बात बताओ, अगर F अच्छा अगर ऑब्जेक्ट इधर हो तो सेम साइड पे बनेगी. यस, एक रे ऐसे ले जाते हैं जो रे पैरेलल जाएगी, जो रे पैरेलल जाएगी उसका क्या होगा? फोकस से पास हो जाएगी. फोकस कौन से वाले से? दूसरे वाला F2 वाला. और जो रे ऐसे जाएगी ऐसी चले जाएगा अंडे लिए, ये वाली फोकस से पास होगी. अरे यार मान लो फोकस है, इधर ले लो तो बैकवर्ड एक्सटेंड हो जाएगी. कोई बात नहीं है, अब इसको बैकवर्ड एक्सटेंड कर देंगे हम. तो ये जो इमेज बनी ये कौन सी वाली है, क्या नेचर है इसकी? Virtual and erect. Yes, this is virtual and erect. And do you know this is the underlying principle of magnifying glass? जो magnifying glass नहीं होता ना? Yes, sir. Normal. Yes, sir. Yes. ये वही है. उसमें यही बनता है. ये object होता है पास, बिल्कुल पास रखा होता है और ऐसा एक object बनता है और ना image बनती है पीछे बट्टी. इसलिए magnify होके लिखती है अपने को. ठीक है. तो ये सारे cases आपको कल बना के लेके आए. अच्छा concave में बताओ. दो केसेस हैं, अगर इंफिनिटी से है तो अपीयर टू मीट एट फोकस. बिल्कुल ऐसा है. अच्छा दूसरा केस, अगर दूसरे केस में कहाँ होगा ऑब्जेक्ट? इंफिनिटी एंड 2F. इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे बीच में, मान लो इधर है
तो क्या बनता हाँ, है तीन बनते हैं इसके तो ऐसा क्या ऐसा फोकल लेंथ और दूसरा ये ओ आर एफ के बीच ये भावना समझ गए तुम लोग ऐसे जा रहे हो yes, yes. जब कौन सी वाली है ये वर्चुअल है रियल है वर्चुअल एंड डायरेक्ट वर्चुअल एंड डायरेक्ट हां इधर डॉटेड बनेगी ए डैश बी डैश ठीक है छोटी बन रही छोटी बन रही यस ये है फंडा ये सारे केसेस हैं इनको कल चिपका लाना है कोई दुख तकलीफ यहां तक नो इनकी क्या चीजें हैं ठीक है कल हम ई क्लास के थ्रू तक अच्छी तक है पांच फाइव तक ठीक है जी फिर कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं आगे राइट योर केसेस शुड बी ड्रॉन बिफोर योर नेक्स्ट क्लास दैट्स इट फॉर टुडे गुड बाय थैंक यू सर ओके बाय बाय सर एक चीज जो मैंने पूछनी थी बाय सर एक ही चीज है बस आने वाली भी नहीं है क्या हो गया सर वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक रेलिक स्कैटरिंग करके कुछ भी है वो करना है वो करना है सर सुना है ऑब्वियसली सुना है अब जो भी कहती सुना है सर सुना कब कहा है सर मैंने ऐसे पूछा है कि करना है अच्छा करना मुझे लगा क्या सुना है सर अरे रियल स्कैटरिंग में कुछ नहीं है वो ये बोलता है कि जो स्कैटरिंग है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 2 हां तो लिखा ही हुआ है उसमें डेफिनेशन ये होता है मतलब ये करना है ये कुछ हां ये तो रिलेशन अरे यार स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ तो मैंने उस दिन जवानी में ऐसे ही बता दिया था हां वो मतलब पावर 4 है वो रेले ने दिया था वो अच्छा तो वो याद पता होना चाहिए कि उसने दिया था और लैम्डा पावर 4 होती है ठीक सर वो पूरा लिखना था स्कैटरिंग तक का लिखना था बिल्कुल जी ठीक है सर ठीक थैंक यू सर ओके बाय बाय थैंक यू सर